हमें बस इतने ही रिक्वेस्ट करनी है नॉर्थ ऑडियंस से, हिंदी ऑडियंस से, कि चाहे कुछ भी हो, दमन का सपोर्ट करना मत छोड़ो। आप पठान देखने जाओ, कुछ भी करो, आपकी आपकी चॉइस है, लेकिन डोंट मिस दमन। दमन एक ऐसा कंटेंट है ना कि आप बोलते ना, अगर आपने नहीं, अगर आपने मिस कर दिया ना, तो आप पछताओगे कि काश हमने इसको थिएटर में। रियलिटीज देखनी चाहिए, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। हम भी उस गौर से गुजरे हैं कोरोना का टाइम से, तो वहाँ पे भी वही कंटेंट है। आप जाओ, आप आपको इतनी पसंद आएगी ना स्टोरी कि आप बोलोगे वाओ यही चाहिए था। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाला मैं आपका स्वागत है, मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों हॉलीवुड की मूवी दमन, जी हाँ दोस्तों, दमन हॉलीवुड की एक ऐसी मूवी है जो आज हॉलीवुड इंडस्ट्रीज की पूरी इंडिया जानता है दोस्तों। लेकिन 3 फरवरी को ये मूवी रिलीज हो रही है, इसका ट्रेलर रिलीज हो गई है दोस्तों, और यूट्यूब पे धमाका कर रही है, मिलियंस में व्यूज आ चुके हैं दोस्तों, और लाइक्स तो पूछो ही मत। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंडिंग नंबर पे भी आ गई है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको ये भी पता है कि उससे पहले 25 जैन को रिलीज हो रही है दोस्तों पठान। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपके एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज़ इधर आ जाइए आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दमन जो कि हॉलीवुड इंडस्ट्रीज की मूवी आ रही है, और आपको बता दूं कि 3 फरवरी को रिलीज हो रही है ये, और उससे पहले पठान भी रिलीज हो रही है 25 जैन को, जो कि बॉलीवुड की बहुत बड़ी मूवी बोल सकते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि यूट्यूब में आपने इसका ट्रेलर देखा होगा, आज ट्रेंडिंग कर रही है, मिलियंस में व्यूज़ आ गए हैं, लाइक्स भी अच्छे खासे आ गए हैं। तो चलिए हम आपसे प्रियंका जी जानने की कोशिश करेंगे हॉलीवुड इंडस्ट्रीज दमन, और ख़ासकर प्रियंका जी मूवी को सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं बोला यार प्रियंका जी तो सपोर्ट करती ही हैं, चाहे वो कोई भी मूवी हो, ऐसा मैंने बोला। अच्छा देखो दोस्तों, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, हमारी एक्सपर्ट प्रियंका जी थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा मैं कमज़ोर उसके लिए सॉरी है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करेंगे प्रियंका जी से कि दमन के बारे में उनका क्या राय है, क्या मूवी चलेगी नहीं चलेगी। पठान अप्रिसिएशन नहीं चाहिए हमें, बस ऑडियंस का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए, बस उनकी दुआएं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही चाहिए, इतने में हम लोग ना हैप्पी जी। तो चलिए हम जानेंगे प्रियंका जी से कि इनको क्या कहना है दमन के बारे में, कि 3 फरवरी को रिलीज हो रही है, कितनी मुसीबत करेगी पठान इसको। तो चलिए हम जानते हैं दमन को लेके ना, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, खुश इसीलिए हूँ क्योंकि हिंदी ट्रेलर मुझे मतलब बोलते ना एक्सपेक्ट था ऑडियंस से कि मतलब ऑडियंस सपोर्ट करे, लेकिन बोलते ना उन्होंने तबाही मचा दी है। 3 के ऊपर मिलियन मतलब बोलते ना 3.8 मिलियन कुछ व्यूज़ हो गए हैं, एंड दूसरा नंबर 17 ऑन ट्रेंडिंग आ गया है। बोलते ना थैंक यू टू द नॉर्थ ऑडियंस, टू द हिंदी ऑडियंस कि आपने हमारी बात सुनी, बिकॉज कई लोगों ने हमारी बात सुनी होगी तब जाके उन्होंने ट्रेलर को देखा होगा। मैं बोल रही हूँ ना ये बवाल मचाएगा। क्या बात, दमन बवाल मचाने वाला है, फिर चाहे कुछ भी हो, कोई भी मायका लाल बीच में आ जाए, ये दमन को कोई नहीं रोक सकता। ये बीच में नहीं आ रहे, ये खुद हाँ बीच में तो यही आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले पठान आ रही है, उसके बाद आएगी शहजादा, बीच में खुद आ रही है दमन 3 फरवरी को जी। क्या लगता है पठान 25 जैन को रिलीज हो रही है, उसके पास 8 दिन रहेगा, क्या लगता है आपको पठान से कितनी दिक्कत होगी दमन को? पठान 25 जनवरी को आ रही है, लेकिन बोलते ना आजकल की पब्लिक ना कंटेंट मांगती है जी। अगर पठान का कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो वो चलेगी अपने आप, वो ज़रूर चलेगी, लेकिन अगर ऐसा रहा कि उसकी स्टोरी लाइन वीक रही, लोगों को नहीं पसंद आया, जैसे ब्रह्मास्त्र को लेके हाल हुआ, अगर ऐसा कुछ रहा तो शायद वन टाइम वॉच पब्लिक करेगी। अभी आप देख लो फॉर एग्जाम्पल, जब राम सेतु जो इतनी बड़ी मूवी हम बोल रहे थे, उसके साथ थैंक गॉड आई, हर हर महादेव आई, क्या हुआ सबको पता है हाल, लेकिन उसी दौरान चल रही थी कांतारा, जो आज भी 2023 का पहला महीना है और थिएटर में 1-2 शोज लगे हैं, तो सोचो क्या होता है कंटेंट। तो सब कंटेंट मैटर्स, इट्स ओनली द स्टोरी ऑफ कंटेंट। अगर कुछ भी हो तो बोले ना, अभी हम ये नहीं बोले कि अरे यार ट्रेलर, ये देखो ट्रेलर, नो डाउट ट्रेलर पठान का अच्छा है, मैं बुराई नहीं करूँ, मुझे खुद को ट्रेलर अच्छा लगा, लेकिन अभी मैटर करता है कंटेंट, बिकॉज आजकल की पब्लिक ना बहुत स्मार्ट हो गई है, उनको बोलते ना अभी बहुत बोलते ना एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम भी ऐसा देखें जैसे हम दूसरे सिनेमाज में देखते हैं। तो अगर यहाँ का ऐसा रहा तो ठीक है, अगर बोलते ना पठान आ रहे हैं, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो डुबती बॉलीवुड को बचाने के लिए, पठान जिंदा है, ठीक है, नो डाउट। शाहरुख खान सर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, दीपिका मैम एक्शन करने वाली है, जॉन अब्राहम सर भी अपनी अच्छी पर्सनैलिटी है, एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो बोलते ना अलग यूनिक दिखने मिलने वाला है इस बार। बस इतना ही है कि पब्लिक ट्रोल ना करे कि अरे ये है, ये वो है, इसको नहीं देखना चाहिए, इसको बॉयकॉट करो, वो सब फालतूगिरी नहीं चाहिए। बट अगर इस मूवी को अगर सक्सेस मिल गया तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो जरूर करेगी, क्योंकि अगर चलने के बाद क्योंकि स्किन कम नहीं होती है,
अगर मूवी चल जाती तो स्क्रीन देने है वायर है 50 तो स्क्रीन्स का प्रॉब्लम होगा, लेकिन पनोरमा स्टूडियोज डिस्ट्रीब्यूटर है इस बार, कोई और छोटा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। पनोरमा स्टूडियोज जो है ना बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, जिन्होंने हाल ही में दृश्यम 2 को भी दिया था, तो उससे ही हमें पता चल गया पनोरमा स्टूडियोज ने दृश्यम 2 को सपोर्ट किया था मूवी को, बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर उसका डिस्ट्रीब्यूटर बन के मसीहा बन गए वो। ऑडियंस कितनी पसंद आई थी दृश्यम 2, हालांकि वो रीमेक थी, फिर भी 240 करोड़ के आसपास कमाई हो गया। हो सकता है कि यहाँ पे दिन के एक दो शोज देंगे, लेकिन अगर डिमांड बढ़ा तो 4-5 भी हो सकते हैं। बराबर है, तो देखो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटर्स बराबर। वायर है 50 आई नो बहुत साल पुराना है, लेकिन पनोरमा भी छोटा नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो अच्छा अच्छा दे देंगे। एंड दमन का कंटेंट मैं बोलूँ ना, आप देख लो ट्रेलर से ही तबाही मच रहा है, तो मूवी आने के बाद क्या बवाल मचेगा। सो दमन को लेके तो मैं फुल सपोर्ट में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बॉलीवुड मूवी अभी आ रही है, लेकिन उसमें बोलते ना हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना, हमें पठान को भी सपोर्ट करना है, पठान को भी हम देखने जाएंगे, एनी भी देखने जाएंगे, हालांकि बीच में क्रांति भी आ रही है, लेकिन क्रांति का भी फिलहाल कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, बिकॉज हिंदी का ट्रेलर अभी तक नहीं आया है, कुछ वहाँ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है कि वो हिंदी में आने वाले कि नहीं। हालांकि मुझे सोर्सेज से पता चला कि वो पहले कनाडा में रिलीज करके कनाडा लैंग्वेज में रिलीज करेंगे, फिर रिस्पॉन्स के बाद ही वो हिंदी में लाएंगे। अगर ऐसा ना हो कि अगर रिस्पॉन्स कनाडा में अच्छा गया तो 3 को ना डाल दे, कुछ बोल नहीं सकते, फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बोलते हैं ना हमारी दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज हमारे लिए टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किसको पहले देखें। तो प्लीज़ मेकर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये मत करना, अगर आपको चाहिए तो फिर आप बाद में की डेट ले लेना, लेकिन बीच में मत आना। एंड शहजादा की बात को तो शहजादा का बस नहीं है, आप देख लो कि मुझे खुद को ट्रेलर एवरेज लगा, एंड पब्लिक भी बोलते हैं ना अल्लू अर्जुन सर को टक्कर देने की बात को लेके ना बहुत सारा सोर्सेस मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत ट्रेंड चल रहा है कि ये नहीं जज रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, तो शहजादा से मुझे एक्सपेक्टेशंस बहुत कम है। हाँ, दमन टेक ओवर कर सकता है शहजादा के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। एंड बस अभी इसी हमें बस इतने ही रिक्वेस्ट करनी है नॉर्थ ऑडियंस से, हिंदी ऑडियंस से, कि चाहे कुछ भी हो दमन का सपोर्ट करना मत छोड़ो, आप पठान देखने जाओ कुछ भी करो, आपकी आपकी चॉइस है, लेकिन डोंट मिस दमन। दमन एक ऐसा कंटेंट है ना कि आप बोलते ना अगर आपने मिस कर दिया ना तब पछताओगे कि काश हमने इसको थिएटर में देखा होता। तो प्लीज़ दमन को सपोर्ट करना, डायरेक्टर सर ने बहुत मेहनत की है, एंड इसमें वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हमारे संकेत मात्रे सर है, जिन्होंने KGF में यश सर एंड कांदर में ऋषभ सर को अपनी आवाज़ दी थी, तो बहुत ही बोलते ना उनकी आवाज़ जब सुनते हैं ना तो ऑटोमेटिकली पब्लिक झूम उठती है, उनकी आवाज़ में पावर रहता है। सो यहाँ पे भी आप देख लो तो बाबूशन सर की डबिंग आर्टिस्ट है, वॉइस डबिंग आर्टिस्ट। बस इतना ही हम मेकर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ भी हो, शोज द शो मस्ट गो ऑन, आप प्लीज़ अपने शोज को कम मत करवाना चाहे कुछ भी हो जाए, बस इतना ही मैं बोलूँगी। एंड विशाल सर डोंट वरी, BMW एंड पूरी टीम अभी भी है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, तो जस्ट हम वेट कर रहे हैं 3 फरवरी का, चाहे कुछ भी हो जाए दमन का सपोर्ट हम नहीं करना छोड़ेंगे। क्या बात है। बस सो ऑडियंस ओडिशा के, आप मेरी बात से कितने सहमत हो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइए। हालांकि उसका बजट सबको ही पता है कि 90 लाख से 1 करोड़ का कुछ था बजट, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वहाँ पर 10-12 करोड़ कमा लिए, तो सोचो कि यहाँ पे क्या हो सकता है, जो इतना कंटेंट पावरफुल रहा कि वहाँ पे इतना चल गया, वो एक रियलिटी स्टोरी है, एक डॉक्टर के ऊपर है, एक डॉक्टर और मरीज़ का रिश्ता बताया गया है, एंड उस बोलते ना उसका सिचुएशन एक्सप्लेन किया गया है कि कैसा था वो, 2015 का था वो सीन। रियलिटीज़ देखनी चाहिए तभी हम कुछ सीख सकते हैं, हम भी उस गौर से गुजरे हैं कोरोना का टाइम से, तो वहाँ पे भी वही कंटेंट है। अब जाओ, आपको इतनी पसंद आएगी ना स्टोरी कि आप बोलोगे वाओ यही चाहिए था हमें। सो डायरेक्टर साहब ने मेहनत की है, प्लीज़ उनकी मेहनत वेस्ट मत कीजिए, ज़रूर जाना 3 फरवरी को। बस एंड हिंदी ऑडियंस, आपको अगर ट्रेलर नहीं मतलब आपने देखा आपको पसंद आया, कितना पसंद है प्लीज़ जो भी प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। एंड नहीं पसंद है ऐसा तो बोलना ही मत, अगर आपको नहीं पसंद है मतलब आपकी इंसानियत ही नहीं है, इतना मैं ओपनली बोल देती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड प्लीज़ मेरा मैसेज वायरल करो सबको कि दमन मूवी आ रही है उसको देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बॉलीवुड मैटिनी बोल।